तुम्हारा भाई भी बुक करवाई है, कौन सी है, फॉर्चुनर, लेजेंडर, जी वैगन या कौन सी आने वाली है बता दो। लेकिन जो भी गाड़ी आएगी अपने जिले में अपने पट्टे में है नहीं, ऐसी ही आने वाली है। तो कौन सी गाड़ी है भाई, सरप्राइज, रेडी रहो आप लोग। समथिंग 6 महीने के बाद या 6 महीने के अंदर हम एक आउटलेट डालने ही वाले हैं इंदौर में। तो आप सब लोगों का मतलब सपोर्ट रहना चाहिए और थोड़ी हेल्प भी चाहिएगी, क्योंकि उस एरिया में हम लोग नए हैं। तो आप जैसे भाई लोग सब सपोर्ट करेंगे, साथ में आएंगे तो सब साथ मिलके करेंगे। ढूंढ लाए सारी मासूम सी जय आदिवासी। कैम से बड़ा मस्त है मजा में। फिलहाल तुम्हारा भाई एकदम काम में, गांव में और काम में, क्या करे भाई। सुबह हो गई है अभी, तुम्हारा भाई सुबह के 8 बजे से लेके अभी रात को 2 बजे आ गए थे। हम बड़ौदा से कुछ सामान लेने गए थे तो आ गए थे अभी सुबह सुबह में। कोई फ्रेंड लोग आए थे, मतलब कि रात के 2 बजे से वो लोग आए थे और यहाँ बैठे थे मिलने के लिए गंदू भाई का। तो रात को 2 बजे आ गए थे भाई, तो क्या करे बेचारे, बहुत खरगोन दूर से आया, यहाँ से 200 प्लस होगा। तो अभी इसको नाश्ता ब्रेकफास्ट करवाया, पूरी बोलेरो लेके आए थे रात में, यहीं वो लोग रहे थे तो अभी अंदर गए देखने। तो चलो फिलहाल अभी क्या है कि ऐसे दूर से लोग आते हैं और मेरे को मिलते हैं, मिलने के लिए बैठते हैं तो पहुँचे अच्छा लगता है। और दूसरी बात क्या है कि बहुत सारा काम चल रहा है, काम बाकी है, यहाँ पूरा शेड अभी लग जाएगा, उसके बाद पूरा बैठने का यहाँ बाहर की साइड हो जाएगा और ये पूरा बॉर्डर बाउंड्री हो जाएगा, यहाँ भी शॉपिंग बन जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ कुछ होने वाली है हमारे ढाबे पे, कैफे पे। तो आप सबको मैं बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि काम तो अभी कर रहे हैं लेकिन क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, वो बहुत ही अलग बात है। और तुम्हारा भाई कौन सी, फिलहाल यहाँ पानी फूक जाएगा। और मोंटू भाई थैंक यू सो मच, अपनी बिग बी को हमारे साथ 2-3 से रखी है। तुम्हारा भाई भी बुक करवाई है, कौन सी है, फॉर्चुनर, लेजेंडर, जी वैगन या कौन सी आने वाली है बता दो। लेकिन जो भी गाड़ी आएगी अपने जिले में अपने पट्टे में है नहीं, ऐसी ही आने वाली है। तो कौन सी गाड़ी है भाई, सरप्राइज, रेडी रहो आप लोग। बस थोड़ा वेट, अब कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे या उस साइड, कौन सी आने वाली है आप सबको पता ही है। जो भी आएगी किसी के पास है नहीं, अपने पट्टे में है ही नहीं, अपने डिस्ट्रिक्ट में है ही नहीं जो भी आ रही है ना वो, ठीक है। तो देख लेना अच्छे से। और दूसरी बात है कि बहुत सारी चीज़ों का सामना अभी हो रहा है, बहुत सारा काम कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारी मेहनतें जा रही है, तो देखते कितना टाइम लगता है, क्या होता है क्या नहीं। और फिर उसके बाद जो नज़ारा और जो देखने लायक होगा वो तो कुछ अलग ही होगा। यहाँ आज हमारा काम है, बहुत सारा सामान लाए हैं तो वो भी बनाना है और बहुत सारी चीज़ें अभी करनी है। और अगला 2 वीडियो देख लो, एक बच्चों को लेके क्या करना है लाइफ में वो बनाया है, एक स्टडी से लेके व्लॉग डाला है और ये दूसरा व्लॉग है। तो अभी फिलहाल थोड़ा टाइम मिल रहा है तो मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, आप ही समझ लो कि मेरे को व्लॉग शूट करने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो कैसा इतना और कैसा बिजी हूँ वो मेरे को ही पता है, ठीक है। तो अभी भाई क्या है कि ये बंदे आए थे, रियल ओनर ऑफ आदिवासी, बहुत सारा काम निपटाया किया और स्पेशल ये लोग खरगोन से आए थे। भैया कैसा लगा? बढ़िया लगा, हमारा जोहर बक्स, एक नंबर, मजा आ गया। मजा आ गया ना, बेचारे 2 बजे पहुंच गए थे तो यहाँ ही बैठे थे, मैं घर चला गया था। तो यहाँ से समथिंग कितना होगा खरगोन? खरगोन 200 से प्लस हो जाएगा ना, 268। तो बैठे थे रात को, अभी सुबह में आया मैं घर से 8 बजे। तो कोई नहीं, अभी जो भी कुछ है ऐसे दूर से बंदे आ रहे मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारा कॉन्सेप्ट के बारे में कैसा लगा आपको ये 200? बहुत बढ़िया, मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट को थोड़ा मतलब प्रेजेंट करे और देखे, हर कोई जाने, और खाना भी अच्छा लगा। खाना सुबह सुबह में नाश्ता कराया भाई, परोठा और चाय बनाए, तो मजा आता है। ऐसे लोग आते हैं, मिलते हैं और बहुत सारी चीजों का बातें हम करते हैं। तो ऐसे ही लोगों से मिल के जुड़ के घूम के फिर के सब होता है तो लाइफ में अच्छा रहता है। मैं सबको बोल रहा हूँ कि लाइफ के अंदर घूमो फिरो, नॉलेज इकट्ठा करो, साथ में मिल के काम करो, तो बहुत सारी चीज़ें अचीवमेंट होती है और करने लायक होता है वो सब चीज़, ठीक है। तो ये लोग अभी फ़िलहाल कहीं जाने का प्लान है, इधर ही है भैया, स्टैचू जाहिर, ठीक है ठीक है। तो ठीक है, रात को समथिंग कितने बजे निकले होगे घर से?
चार बजे निकले थे शाम को। शाम को हाँ। ऐसे ही घूमने करके हाँ। ठीक है सर, स्पेशल यही आए थे, यही आए थे। अरे भाई तो शाम को चार बजे क्यों निकले थे, टाइम नहीं होता ना आराम से आना। वही तो बात है भाई, हमारा भी ऐसा ही होता है कि वहीं जाना है, देखना है बस। तो प्राउड फील होता है ब्रो, ऐसी चीज हम बनाई है, आप सबको अच्छी लग रही है। अभी क्या है कि खाना भी खिला देते, लेकिन अभी सुबह सुबह का टाइम है, पूरा स्टाफ वाले अभी घर वाले आए नहीं है। पराठा अच्छा लगा, ठीक है। और भी टाइम लेके आओ, कभी मिलेंगे बाद में। हाँ, और बहुत ही सारी चीज़ अभी भी करना बाकी है। अभी उधर आप खरगोन से हो ना, खरगोन से तो हमें एमपी साइट भी वहाँ इंदौर में फ्रेंचाइजी का, मतलब कि हमारा ही आउटलेट का सोच रखा है। तो वो कॉन्सेप्ट कैसा रहता है, कितने दिनों में तब होता है, वो सब आपको बताएंगे। समथिंग 6 महीने के बाद या 6 महीने के अंदर हम एक आउटलेट डालने ही वाले हैं इंदौर में। तो आप सब लोगों का मतलब सपोर्ट रहना चाहिए और थोड़ी हेल्प भी चाहिएगी, क्योंकि उस एरिया में हम लोग नए हैं। तो आप जैसे भाई लोग सब सपोर्ट करेंगे, साथ में आएंगे तो सब साथ मिलके करेंगे। ठीक है ठीक है, चलो तो भाई अभी घर जाता हूँ थोड़ी देर बाद, थोड़ा काम है, वो अभी बहुत सारा काम है करना। ये लोग आए थे तो साथ में बैठा बातचीत की, और बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे लोगों को मिलता हूँ। तो मिलने के लिए आते हैं, तो हमें भी पसंद है ऐसे लोग आते हैं, दूर से मिलते हैं। तो चलो व्लॉग में बने रहना, जो भी कुछ है वो आज पूरा दिन आपके साथ शेयर किया जाएगा। गाइस दोपहर के बज गए 2 और ये लोग अभी भी येलो टी शर्ट पहन के घूम रहा है। कल से पता नहीं उसको, कब से बोल रहा हूँ भाई कैफे चला रहा है, तो अच्छे से रेडी होके रे, तो पता नहीं बोल रहा है मेरे पे नजर लग जाती है। किसकी नजर लगती है, ये तो पूरा गांव वाला एरिया है। बैंड लेने का थोड़ा प्लानिंग, बैंड बैंड बजाएगा ये वीडू। अच्छा शूट करेगा, अच्छा खासा काम वाले। सुबह सुबह उठ के बैंड बजाता है सबकी, ऐसा सुना नहीं ना, ऐसा तो नहीं ना। चलो गाइस, तो अभी फिलहाल ना हम लोग जा रहे हैं कमर, थोड़ा काम है। और आज क्या है समथिंग, आज एक कुछ कंटेंट शूट करने वाले हम लोग अभी दोपहर में या शूट करेंगे डबल एक्सपोजर के साथ। उसमें मैं मर जाऊंगा, उसके अट्टे में। हाँ पार्ट 2 आएगा, थ्रुला मर गया था वो, बाकी है ना। उसके बाद आएगा, पुनर्जन्म होया मेरा। ठीक है ठीक है, तो चलो गाइस एनी बड़ी, हम लोग अभी जा रहे हैं फिलहाल कमर, कुछ काम है उसके बाद देखते हैं। और गाइस मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आज अभी इनविटेशन है, एक ओपनिंग है, तो वहाँ भाई को इनवाइट किया है, तो अभी चलते हैं देखते हैं। देखा और चलते फिर उसके बाद वहाँ जाके वहाँ का जो भी माहौल है वो बताएंगे। अपने भाई ने एक लेबोरेटरी ओपन किया है, तो वहाँ सबकी ब्लड की रिपोर्ट होगी, तो जिसको भी ब्लड रिपोर्ट कराना है करवा देना। और व्लॉग में जाके आगे बजा के बताता हूँ आप सबको क्या सीन है वहाँ, क्योंकि भाई अपना लोग और अपने बंदे कर रहे हैं ना, तो बड़ा ही है, और अपन का फुल सपोर्ट रहता है ऐसे लोगों को, अपने को पता है तब तक तो ठीक है। और हमारे भाई की गाड़ी भी वॉश करानी है, सुबह में गए थे आ गए थे, उसके बाद जा रहे हैं हम। फिलहाल मैं क्या दूसरा चीज बोलूँगा कि आज हमारा मित्र है राहुल भाई, जे लेबोरेटरी मतलब कि आपका कमांड तालुका अंदर अमरा लोगों ने घनी बड़ी समस्या जवा मती हुई है, एवं रीते सरकारी दवा है, एम भी आप रिपोर्ट कराव हो तो 2-3 दिवस वेट करव पड़े। और बीजी वस्तु है कि अमुक प्रकार रिपोर्ट थता है, मेलेरिया थी गो कि ब्लड रिपोर्ट, जो अदर रिपोर्ट है आप मतलब बोड़ेली के समाज में भी हाल एक भी लेबोरेटरी हसे पर दूर जवा पड़ते हुए। तो अपना समाज आदिवासी समाज छोकरो है जे हाल प्रॉपर सूरत भाई तुम सूरत भाई नाखलना वतनी है, जे एक लेबोरेटरी शुरुआत करी है कमाट नसवाड़ी चौकड़ी पर। तो थोड़ा अपने एम विषे बताइए अपनी लेबोरेटरी नाम थी लैने। अपने लेबोरेटरी नाम मुख्य लेबोरेटरी है, अपने त्या कोलेस्ट्रोल किडनी
ने शुगर ना तमाम रिपोर्ट थाय छे जेम के कैंसर छे पछी नानी मोटी बीमारी छे हार्ट नी बीमारी छे पछी किडनी नी बीमारी छे लीवर छे आ तमाम रिपोर्ट आपणे त्यां थाय छे તેમજ આપણે ત્યાં જે આપણા જે છે તે લોકોને આપણે રાહતના દરે પણ રિપોર્ટ કરી આપીશું એટલે મતલબ કે આપણા સમાજના જે લોકો હોય એને ફાઇનાન્શિયલી પ્રોબ્લેમ જે ઘરની પરિસ્થિતિ ખરાબ હોય એવા લોકો બી આવીને મતલબ પ્રોબ્લેમ એ જણાવશે તો તે રીતનો બી રિપોર્ટ રાહત દરે કરી આપવામાં આવશે એવું કેવું છે મતલબ કે મેલેરિયા ટાઇફોઇડ પછી બધા ડેન્ગ્યુ દરેક રિપોર્ટ ફૂલ બોડી ચેકઅપ આપણે કરીએ છીએ ઓકે તો ફાઇનલી નસવાડી ચોકડીથી એક્ઝિટ બોડેલી રોડ વિદેશ મોટર આર્ડિયો ટ્રેનિંગ સ્કૂલની ઉપર જ છે ન્યુ કેર પેથોલોજીસ્ટ લેબોરેટરી તો એકવાર જરૂર વિઝિટ કરજો હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મારો નંબર બી આપી દઈશ જેને કોલ પર ઇન્ફોર્મેશન જોઈતી હોય રિપોર્ટને લઈને તો બી તમે ઇન્ફોર્મેશન આપી શકશો ને હા જરૂર દોપહર કા ટાઈમ હુઆ 2-3 બજ ગયે ફાઇનલી ઓર હમ લોગ ફાઇનલી ઘર આ ગયે વહાં ઓપનિંગ થા બંદે કા તો બહુત હી અચ્છી તરહ સે ભાઈને એક સ્ટાર્ટઅપ કિયા હૈ લેબોરેટરી જો MLT કરકે ઉસકે બાદ યહાં કે જો રિપોર્ટ નિકાલના હૈ વો કમાંડ કે અંદર અપના હી ભાઈ હૈ તો વહાં જાના એક બાર ઓર રિપોર્ટ જિસકો ભી કરવાના હૈ મેલેરિયા હો ગયા ટાઇફોઇડ હો ગયા ડેન્ગ્યુ હો ગયા કિડની સે લિવર સે લેકે સભી ચીઝ કા વો બોલ રહા થા તો ઉસકા નંબર ભી દે દુંગા ઓર દૂસરી બાત અપને કેફે પે અભી કામ ચલ રહા હૈ ભાઈ લોગ તો આપ મે લગે પડે હૈ ઓર એક હમારા અચ્છા ખાસા વડીલ હૈ જો હમકે અચ્છે કામ કરકે દિયા પૂરે કવલે કો અચ્છે સે લગા કે દિયા ભાઈ ને અભી ખડ્ડા ખોદ રહા હૈ કૈસા ભાઈ મજા ના તો બચ્ચા અચ્છા અચ્છા હતા કે હમારા કામ નિકલ દેતા હૈ ભૈયા ઉપર ચડ કે પૂરા અચ્છે સે કરકે દિયા અભી દેખતે હૈ બારિશ મે પાણી નીચે ગિરતા હૈ કે નહીં તાકે તો અભી દેખતે હૈ ઇતને સારે હૈ ઓર ફિલહાલ યહાં ભી બિલિંગ કે લિયે પૂરા સોફ્ટવેર અપડેટ હો જાયેગા ક્યા બોલે ભાઉ સોફ્ટવેર હો જાયેગા ના ઠીક હૈ ઓર એક સરપ્રાઈઝ હૈ વો ક્યા હૈ બતાઓ ના વો સરપ્રાઈઝ ક્યા હૈ યાર વો વાલી સરપ્રાઈઝ ક્યા હૈ યે દેખો યે સરપ્રાઈઝ ભી આને વાલી હૈ ક્યા સરપ્રાઈઝ દે રહા હૈ તુ સબકો ભાઈ नई नई गाड़ियाँ नए नए घर दिखा रहा है ये देखो बंगलोस खरीदना चाह रहा है ब्रो चेक कर रहे हैं समथिंग 2-3 दिन में कुछ नया होने ही वाला है फिलहाल क्या होगा क्या नहीं वो एक सरप्राइज है और बंदा अभी ये पूरा ब्रोशर लेके बैठा है तो नया होम ले रहा है या गाड़ी ले रहा है पता नहीं है ना मैं ले रहा हूँ हाँ हाँ ये यही नहीं आप लोग ना भाई ऐसे सपोर्ट करते रहना जुड़े रहना व्लॉग में और LY फिलहाल YouTube फैमिली ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है उतना ज़्यादा फैन फॉलोइंग का प्यार मिला है ताकि हम ये लेवल पहुंच रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करना BM तो पड़ी ही है लेकिन ये देखो थार आई हुई है तो यहाँ और कौन आने वाली है ओनली फॉर कितने दिन बाकी है हमारी नई सरप्राइज आपके साथ रिवील होने वाली है 3-4 दिन के अंदर तो हमारे साथ जुड़े रहना डिलीवरी से लेके बुकिंग तक आप सबको बताएंगे 4x4 है क्या है देख लेना जी वैगन थार मर्सिडीज देखते भी फिलहाल जो भी है वो आपके साथ शेयर करेंगे।